अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोग की दुआओं से। तो सबसे पहले तो थैंक यू, आप लोग ने मेरी वीडियोस वॉच की और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया। तो आज जो है मैं वो चीनी वाला पराठा बना रही थी, तो सोचा आप लोग के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। बहुत ही इजी पराठा है और सबसे ज़्यादा मज़े की बात तो यह है ये बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है। कभी भी आपके बच्चों को भूख लग रही हो तो आप ये जल्दी से बना लेते हैं, क्योंकि मैं बोलती हूँ ये बेस्ट पराठा है बच्चों के लिए। इसमें ना आपको सालन की ज़रूरत पड़ती है, आप बच्चे को बस ऐसे ही बना के दे दें, बच्चा आपके हाथ में लेके खाता रहेगा, घूमता रहेगा और इससे इसका पेट भी भरा रहेगा। तो मैं तो जब भी रोटियां पकाती हूँ ना तो लास्ट में ये पराठा ज़रूर बनाती हूँ। दो पराठे बनाती हूँ, एक तो मैं खुद भी खाती हूँ और एक अपने भाई के लिए बनाती हूँ। मेरा छोटा बेटा भी बहुत शौक से खाता है ये पराठा, तो जब से उसको अच्छा लगा है मेरे छोटे बेटे को तो मैं तो उसके लिए बनाती हूँ। माशाल्लाह हाथ में लेके खाता रहता है, घूमता रहता है, नरम नरम से होते हैं तो वो ना छोटे छोटे दांत हैं तो वो चबा भी लेता है। तो इसके लिए ज़्यादा चीज़ें तो नहीं चाहिए, बस आपने पेड़ा को बेल लेना है रोटी की तरह पूरा, जब गोल हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर लगा लेना है ऑयल। ऑयल आपकी मर्ज़ी, अगर आप थोड़ा सख्त पराठा खाना चाहते हैं क्रिस्पी सा तो आप थोड़ा कम ऑयल लगा लें, लेकिन अगर आप मज़े का चाहते हैं कि नरम नरम सा हो बच्चों के लिए तो थोड़ा सा ऑयल लगा लें अंदर। और इसके ऊपर आपने चीनी डाल देनी है। चीनी डालने के बाद आपने इसको ना अच्छे से आपने इसको ना वो कर लेना है, इसका स्क्वायर शेप बना लेना है। जब स्क्वायर शेप बन जाएगा तो आपने फिर इसको पराठे की तरह सेक लेना है, जैसे पराठे बनते हैं तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। और हाँ, आपने पेड़ा थोड़ा बड़ा साइज़ का लेना और थोड़ा सा मोटा हो पेड़ा ना, उसमें आटा थोड़ा ज़्यादा हो तो ना इससे ना अच्छा रहता है, नरम बनता है पराठा बच्चों के लिए ना, तो बहुत ही मज़े का बनता है कसम से। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये पराठा अपने बच्चों के लिए, घर में ज़रूर बनाइएगा। और आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दें। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स भी किया करें मुझे। और जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं उनके लिए दिल से थैंक यू, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोग मेरी वीडियोस को देख के अगर कुछ बोलते हैं तो मुझे खुशी होती है कि शुक्र है किसी को तो मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती हूँ, इंशाल्लाह करती रहूँगी आगे तक। तो बस आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा पराठा, बहुत ही मज़े का होता है। तो मिलूँगी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो ये देख लें पराठा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। अच्छा, ये देखें कितने मज़े के बने और ये इतने क्रिस्पी थे। मैंने दो बनाए थे दरअसल, एक मैंने अपने लिए बनाया था और अपने बेटे के लिए बनाया था। इतना कोई मज़े का था ये पराठा, लद ना नरम नरम और क्रिस्पी था, खाने में इतना मज़ा आ रहा था, मेरे मुँह में तो अभी भी पानी आ रहा है। अल्लाह हाफिज़।